पूजा के बाद होसमोल में नरसंहार से हाहाकार। यूक्रेन के कई शहरों पर जबरदस्त बमबारी। खार्किव में 24 घंटे के भीतर 48 बड़े हमले। यूक्रेन ने नाटो से मांगे हथियार। रूस के खिलाफ यूएनएचआरसी में आज वोटिंग। संसद भंग करने को लेकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। रात 8 बजे आएगा फैसला। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा। गोरखपुर हमले का आरोपी मुर्तजा का बड़ा कबूलनामा। ऑन कैमरा बोला, मुसलमानों से खराब बर्ताव पर था गुस्सा, डिप्रेशन में किया हमला। एटीएस ने आरोपी के पिता को भी तलब किया। जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से पूछताछ। फर्जी कर्ज की आड़ में हीरा फेरी की पड़ताल। नमाज को लेकर बिहार के मंत्री जनक राम की मांग। अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज पर लगाई जाए रोक। कहा कि तेज आवाज से दूसरों को होती है दिक्कतें। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सिविल लाइन्स फाटक पर कांग्रेसियों ने केंद्र के खिलाफ भरी हुंकार। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, चुनाव हटते ही महंगाई हुई बेकाबू। पायलट सहित मंत्री विधायक मौजूद रहे। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी के सांसदों के ब्रेकफास्ट पर चर्चा। अरुण सिंह, चंद्रशेखर और पूनिया रहे मौजूद। कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई की जाए तेज। सिरोही में वेस्ट बनाम बांध से जेके लक्ष्मी सीमेंट को धड़ाले से पानी सप्लाई। 32 गांवों के किसानों में आक्रोश। कहा तुरंत रद्द हो करार, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। राजसमंद में डीटीओ और दो दलाल 50,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार। करौली में दौसा एसीबी की टीम ने पटवारी और एक दलाल को 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप किया। करौली के लोगों को आज मिली राहत। कर्फ्यू में 2 घंटे की दी गई ढील। बाजारों में किराना, दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुली। खरीदने के लिए उमड़े लोग। दुपहिया और चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहा।